नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चेहरे की खुशी देख के समझ सकते हैं कि YouTube से फर्स्ट पेमेंट आ गई है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक यूट्यूबर की ये सपना होता है कि YouTube से वो पेमेंट लेना स्टार्ट करे। तो दोस्तों फाइनली पेमेंट आ गई है। कितना पेमेंट आया है YouTube से वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों फर्स्ट पेमेंट आने में कितना समय लगा है वो भी बताऊंगा, और उसके साथ में दोस्तों फर्स्ट पेमेंट लेने मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात करें फर्स्ट पेमेंट आने में तो लगभग 8 महीने का समय लगा, क्योंकि दोस्तों शुरू में जब चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद हर महीने 10 से 12 डॉलर 15 डॉलर ही बन पाते थे महीने में, क्योंकि उतना ज्यादा व्यू नहीं आते थे। तो दोस्तों फर्स्ट पेमेंट आने में लगभग 8 महीने लग गया है। चैनल को मोनेटाइज होने के बाद 8 महीने के बाद ये फर्स्ट पेमेंट आया है। और दोस्तों आपके चैनल पर 30 तारीख तक जो भी अर्निंग होती है वो 11 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में शो होता है, और एडसेंस 21 तारीख को आपके बैंक में ट्रांसफर कर देता है, और उसके बाद 2 से 3 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में आने में। तो दोस्तों जैसे ही 100 डॉलर कंप्लीट हो जाता है तो एडसेंस आपके अकाउंट में पैसे भेज देता है। तो दोस्तों 100 डॉलर एडसेंस में कंप्लीट हो गया है तो अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। तो दोस्तों आज एटीएम में गया और पैसा निकाल के लाया मैं, और वहीं पे दिक्कत की अगर बात करें दोस्तों तो दिक्कत यहाँ पे बहुत होती है। अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है तो काफी पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है दोस्तों व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं, और वहाँ पे काफी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो टूट जाते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए हमारा जो समय है, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4 साल का समय यूट्यूब मैंने दिया है, 4 साल का समय मेरा इसमें लगा है। शुरू शुरू में यूट्यूब के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी मुझे यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीडियो देख के, यूट्यूब पे वीडियो देख के ही मैंने सब कुछ सीखा है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो मेरे आसपास यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो जिससे मैं सीख सकता, जिससे मैं जान सकता कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, कैसे उसमें SEO करते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, कुछ भी मुझे नहीं पता था। लेकिन दोस्तों यूट्यूब से मैंने सब कुछ सीखा और फर्स्ट पेमेंट फाइनली आ गया है। कितना आया है इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा कि कितना पेमेंट आया है। दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के बाद आपके घर पे एक एडसेंस पिन आता है, उससे आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना रहता है। वेरीफाई करने ये सब कुछ करने के बाद आपको अपना बैंक डिटेल एडसेंस अकाउंट में देना रहता है, जिससे एडसेंस आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सके। वहीं दोस्तों अगर बात करें बैंक अकाउंट जो डिटेल आप उसमें सेव करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड कभी भी अगर आप वहां पे देते हैं तो एकदम आप अपने बैंक में जाके मैनेजर से पूछ के और उसको वेरीफाई करके ही एडसेंस में दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी पैसा जो नए यूट्यूबर होते हैं जिनका पैसा फंस जाता है, मेन है स्विफ्ट कोड से। क्योंकि दोस्तों आपको अकाउंट नंबर पता होता है, IFSC कोड भी पता होता है, सारी डिटेल्स पता होता है, लेकिन स्विफ्ट कोड नहीं पता होता है। तो लोग जाते हैं और वहां के क्लर्क से या किसी से भी पूछ लेते हैं जो गलत बता देते हैं, और गलत बताने से एडसेंस तो पैसा आपके अकाउंट में भेज देता है लेकिन वो पैसा फंस जाता है। अगर मान लीजिए जब भी एडसेंस पैसा भेजता है तो 5 दिन तक आपको वेट करना है, 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर मान लीजिए बाय द वे 5 दिन का अगर पैसा नहीं आता है तब आपको जाके अपने ब्रांच में मैनेजर से मिलना है और वहां पे आपको बताना है, तो मैनेजर आपको चेक करके बताएगा, जो भी दिक्कत होगा वो दिक्कत सॉल्व करेगा और आपका पैसा पेमेंट जो भी रहेगा वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सब कुछ बहुत ही सावधानी से सब कुछ अच्छे से फिल किया था, सब कुछ बढ़िया से मैंने जो है दिया था एडसेंस में, और जिसकी वजह से एडसेंस ने जैसे ही पैसे वहां ट्रांसफर किया और देखिए सीधे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए और मैं ATM से निकाल के आ गया हूं। दोस्तों जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था कि ये फर्स्ट पेमेंट आया है, कितना आया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट पेमेंट कितना आया है, आप लोग खुद देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो दोस्तों देखिए YouTube पे हम खुल के नहीं बोल सकते हैं कि कितना पेमेंट आया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा आया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि आपके मोटिवेशन के लिए ये वीडियो काफी है। आपको कभी भी पेशेंस नहीं खोना है, YouTube पे आपके वीडियोस पर व्यू आए चाहे ना आए, लेकिन आपको पेशेंस नहीं खोना है और YouTube पे लगातार आपको बने रहना है, लगातार आपको वर्क करना है, और कोशिश करिए पर डे नहीं तो 2 दिन 3 दिन पे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहिए, जिससे आपके भी चैनल पर ग्रोथ होगी, आपके वीडियोस पे व्यू आएंगे और आपका भी फर्स्ट पेमेंट बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।